तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं अपनी दिल्ली सीरीज़ में एक और नई वीडियो ऐड करते हुए। इस बार हम जाने वाले हैं रेल म्यूज़ियम। रेल म्यूज़ियम अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे पास वाला मेट्रो स्टेशन है वो है मोतीबाग। तो मोतीबाग मेट्रो स्टेशन से इसका जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर का है। तो चले चलते हैं। ये वाली ट्रेनें तो आपने बहुत बार देखी होंगी रेलवे स्टेशन पर। चलिए आज आपको दिखाते हैं हम रेल म्यूज़ियम। छोटी छोटी ट्रेनें और उनका एक्सपीरियंस, उनकी हिस्ट्री, तो सब हम देखेंगे आज के इस ब्लॉग में। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रेल म्यूजियम पे। एंट्री करते के साथ ही ये यहाँ पे आप देखेंगे ये स्टीम इंजन रखा हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ से यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो अलाउड है वो ओनली फ़ोन पे है। अगर आप प्रॉपर कैमरा लेके आते हैं तो उसका 11,800 चार्ज है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री की बात करूँ तो वीकेंड में यहाँ पे एंट्री जो होती है वो डबल हो जाता है चार्ज। अगर वीकडे में आपसे 50 रुपीज़ ले रहे हैं एंट्री का तो वीकेंड में ये 100 रुपीज़ हो जाता है। तो मुझे जो मैंने टोटल जो टिकट ली थी वो 300 रुपये की पड़ी मुझे, जिसमें मैंने टॉय ट्रेन और एंट्री की टिकट ली है। तो इन तीनों का अगर मैं कॉस्ट इंक्लूड करूँ तो 300 रुपये है। अगर ये मैं वीकडे पर लेता तो ये 150 रुपये पड़ता। रेल म्यूज़ियम जो है वो 10 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है, जिसको अगर मैं कहूँ तो 40,000 मीटर के एरिया में ये है रेल म्यूज़ियम। और हम जो अपनी जर्नी करेंगे वो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा हमारा म्यूज़ियम का, जो हम म्यूज़ियम देखेंगे। सेकंड पार्ट होगा हमारे ट्रेन्स का, जो कि यहाँ पे जॉय ट्रेन और टॉय ट्रेन है। और थर्ड पार्ट होगा मिनिएचर रेलवेज। चलते हैं अंदर म्यूज़ियम और म्यूज़ियम से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। अभी हमने जस्ट रेल म्यूज़ियम कवर किया और ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थी, जैसे कि रेलवे का इतिहास। इसमें 150 साल का इतिहास, जब रेलवे स्टार्ट हुआ था उसके बाद से जो करंट अभी सिनेरियो चल रहा है कंप्लीट इसमें कवर किया हुआ है। अगर आप इस जगह पे आ रहे हैं तो इसको ज़रूर देखिए, और म्यूज़ियम देखना तो बनता ही है। इसका कोई कॉस्ट नहीं है एडिशनल, तो अगर आप जो एंट्री टिकट लेंगे उसी में ये इंक्लूड होता है। अब हम जिस पॉइंट पर आए हैं वो है यहाँ पे इंजन से बहुत सारे। तो अगर आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इंजन से इसमें सारे जितने भी अभी तक के मतलब हिस्ट्री के पूरे टाइप के इंजन दिखाए हुए हैं, कौन सा इंजन कब यूज़ हुआ था, कितना पुराना है। अच्छी जगह है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो आप इसको अपने जगह घूमने में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। आप लोगों ने फना मूवी तो ज़रूर देखी होगी, तो उसमें एक गाना है और उस गाने में इसी ट्रेन का यूज़ हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, जो पीछे ट्रेन आप देख रहे हैं इसी पे से शूटिंग हुई थी। आमिर खान ने इसी पे खड़े होकर गाना गाया था। चले चलते हैं टॉय ट्रेन का सफ़र, देखते हैं कैसा रहता है। चलिए टॉय ट्रेन का लुफ्त उठाते हैं। ये टिकट में इंक्लूडेड था और इसका जो किराया वैसे 50 रुपीज़ है। टॉय ट्रेन स्टार्ट हुई है और ये है, ये पूरा चक्कर लगा दिया है इसका।
अच्छा राइड था, छोटा राइड था, 2.5 मिनट की राइड थी जिसमें पूरा इन्होंने म्यूजियम का एक चक्कर लगाया। तो चले चलते हैं, अब टॉय ट्रेन की बारी है। चले चलते हैं जॉय एक्सप्रेस। कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस देख के? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। रेल म्यूजियम यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी अच्छी है, पुराने ट्रेन से लेके जब ट्रेन स्टार्ट हुई थी इंडिया में वहाँ से लेके अब तक की जो सबसे मॉडर्न ट्रेन सारी ट्रेन दिखाई गई है। तो इसी के साथ रेल म्यूजियम वाला हमारा ब्लॉग खत्म होता है यहाँ पे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही और भी वीडियोस हैं मेरी दिल्ली प्लेलिस्ट में जो अभी आपके स्क्रीन में पॉपअप कर रही होगी, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।